गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम साधना कुमारी फ्रॉम महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा, वर्ग चतुर्थ, विषय संस्कृत। बच्चों, अभी मैं आपके जो चैप्टर फाइव है उसके अभ्यास कार्य वो करवा रही थी। इस चैप्टर फाइव को मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ। इसमें गीता इसका जिसका कि शीर्षक है गीता रहस्यम। गीता रहस्यम में जितने भी श्लोक हैं इन सब के हिंदी अर्थ के साथ मैं आपको ये पढ़ा चुकी हूँ। इसके अभ्यास कार्य में जो भी कार्य दिए गए हैं उसे मैं बारी बारी से आपको करवा रही हूँ। इसमें जो क्वेश्चन नंबर एक है, अभ्यास कार्य का पहला क्वेश्चन है, इसका भी आंसर मैंने आपको बता दिया है। दूसरा का भी आंसर मैंने आपको बता दिया था। अब आइए क्वेश्चन नंबर थ्री, जिसमें कि है निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए, इसे मैं आपको बताऊँ। आपका क्वेश्चन नंबर थ्री में है कि निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। जो आपका गीता रहस्य में जो भी श्लोक दिए गए हैं उसी से इनमें जो है सो हिंदी का जो उसका अर्थ है उसी को आपको संस्कृत में बनाने के लिए कहा गया। यानी इसमें हिंदी के वाक्य दिए गए हैं जिसको कि आपको संस्कृत में उसका अनुवाद करना है। आइए बारी बारी से मैं आपको उन वाक्यों का संस्कृत में क्या होगा और कैसे अनुवाद होगा वो मैं आपको बताती हूँ। इसका पहला जो क में है वो वाक्य है हिंदी का, जो वायु कभी भी आत्मा को सुखा नहीं सकती, वायु कभी भी आत्मा को सुखा नहीं सकती है। इसका अब आपको हिंदी में संस्कृत में अनुवाद करना है। संस्कृत में अनुवाद होगा कि पवनः कदापि आत्मां शुष्कः न सकनोति। क्या है पहला कौ का क्या है हिंदी वाक्य? वायु कभी भी आत्मा को सुखा नहीं सकती। इसका संस्कृत में अनुवाद होगा पवन कदापि आत्मां शुष्क न सकनोति। ख में है हिंदी वाक्य आपका उसी प्रकार शरीर भी नया शरीर धारण करता है। उसी प्रकार शरीर भी नया शरीर धारण करता है। जब इंसान जब मर जाता है तो उसका पुराना शरीर नष्ट हो जाता है एवं उसकी आत्मा जो है वो एक नई शरीर को धारण करती है। तो इसका संस्कृत में इसका जो है वाक्य अनुवाद होगा तथैव शरीरः अपि नवीनः शरीरं धारयति। उसी प्रकार शरीर भी नया शरीर धारण करता है। गौ में है आपका हिंदी वाक्य आत्मा को हथियार काट नहीं सकता है। आत्मा को क्या नहीं काट सकता? आत्मा को हथियार नहीं काट सकता है। तो इसका संस्कृत में होगा आत्मां शस्त्र हन्तुं न शक्नोति। आत्मां शस्त्र हन्तुं न शक्नोति, आत्मा को हथियार काट नहीं सकता है। घ में है आपका हिंदी वाक्य आत्मा कभी न तो मरती है और न जन्म लेती है। आत्मा क्या है? आत्मा कभी ना तो मरती है और ना ही जन्म लेती है। तो इसका संस्कृत में अनुवाद होगा आत्मा कदापि न म्रियते न जायते च। आत्मा कदापि न म्रियते न जायते च। आत्मा कभी ना तो मरती है और ना जन्म लेती है। अब है इसका गाँव में पांचवा जो वाक्य है वह है पुराने कपड़ों को त्याग देते हैं और नए धारण करते हैं। पुराने कपड़ों को त्याग देते हैं और नए धारण करते हैं। इसका जो है संस्कृत में इसका जो अनुवाद होगा वह है पुरातनानि वस्त्राणि त्यक्त्वा नूतनं वस्त्रं धारयति। पुराने कपड़ों को त्याग देते हैं और नए धारण करते हैं। इस प्रकार से जो पांच हिंदी के वाक्य हैं जिसे कि मैंने बारी बारी से पहले हिंदी के वाक्यों को पढ़ा है एवं इसके संस्कृत का अनुवाद मैंने आपको करके बता दिया है। आप सभी बच्चे भी मेरे द्वारा जो भी हिंदी के वाक्य को पढ़कर जो इसके हिंदी के संस्कृत के अनुवाद को किए गए हैं वो सभी अच्छे से साफ सुथरे ढंग से अपनी कॉपी में कर लेंगे। आगे के कार्यों को लेकर मैं पुनः उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।